यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये है हमारा खास कार्यक्रम देश की आवाज, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी राय रखते हैं। और आज का भी मुद्दा कुछ इसी प्रकार का है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार दूषित हो रही है, जहरीली बनी हुई है। फिलहाल हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद तीनों एमसीडी ने बड़े दर्जे पर दिल्ली में पानी का छिड़काव किया। धूल भरी जगहों जैसे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी पानी का छिड़काव किया गया, जिससे हवा की रोशनी किस प्रकार से हुई है। दरअसल राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज रफ्तार से लू चल रही है, जिसके चलते राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को माना जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। 15 से 18 जून तक पश्चिम विक्षोभ की वजह से कुछ इलाकों में धूल भरी हवाएं चल सकती है और बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डाटा के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पीएम 10 का स्तर 626 और दिल्ली में 650 दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी शुक्रवार को पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। धूल भरी आंधी के चलते इलाके में विजिबिलिटी घटकर 200 मीटर तक रह गई थी। वहीं आज हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश से लोगों को धूल से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के सवाल। मौसम में क्यों हो रहे हैं ऐसे बदलाव और बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी बनती है और पर्यावरण से छेड़छाड़ से क्या सचमुच अब बात बिगड़ने लगी है। और उसी के साथ ही क्या पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही है। ये सवाल है हमारे आज के, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है? आखिरकार वृक्षों के बिना कैसे जीवन संभव होगा? उत्तर भारत में बिगड़े हालात, जी हां, पूरा उत्तर भारत धूल की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं और प्रदूषण नापने वाली मशीनें तक फेल हो रही है। जी हां, तो आप बताइए, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल दीजिए और अपनी राय जानिए। और अपनी राय देने हमारे पहले दर्शक आशीष शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या राय है इस पर आपकी? मैम, मेरी ये राय है कि जो किसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो टहनी काटता है, पेड़ काटता है, उससे तो पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन जो सरकारी परमिशन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाते हैं, उससे क्या पॉल्यूशन नहीं होता जी? और जो परमिशन, जो यहाँ पे शिमला में ग्रीन बेल्ट एरियाज है, वहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी, तो उसके लिए बहुत पेड़ कटे हैं, जैसे न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग पार्किंग पे भी पेड़ कटे हैं बहुत। तो ये प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे लगाए जाए जहाँ पे कम पेड़ कटे हैं जी। और जो आजकल बगीचे कट रहे हैं अवैध उसके, तो उसमें भी कुछ और तरीका निकालना चाहिए कि वो पेड़ वैसे ही रहे, कब्जा मतलब हटाया जाए उन किसानों से जो अवैध है जी, लेकिन पेड़ों को नुकसान ना हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ रणबीर भार हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मैडम जी नमस्कार। जी मैडम जी, मैं आपके प्रोग्राम से बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, रोजाना आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। मैडम जी, मैं एक किडनी की बीमारी से पीड़ित हूँ और नवंबर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है जी। देश के अंदर प्रदूषण का बहुत बुरा हाल हो चुका है जी, बीमारियां बढ़ती जा रही है, कहीं कैंसर है, कहीं किडनी फेल है, कहीं लीवर फेल है, कहीं हार्ट अटैक हो रहे हैं जी। मैं देश की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान एक पौधा इस जी, बारिश के मौसम में हर इंसान एक पौधा लगाए जी, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगी कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक प्रताप सिंह हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप सिंह, क्या राय है इस पर आपकी?
ये हर एक इंसान को कम से कम 8 से 4 पौधे लगाने चाहिए जी। ताकि मौसम जो है वो जी। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। क्या राय है इस पर आपकी? एक इंसान को कम से कम 4-4, 5-5 आग के पौधे लगाने चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक इंसान को पौधे लगाने चाहिए, 4-4, 5-5 पौधे भी अगर इंसान लगाता है तो शायद आने वाले समय में इस प्रकार के वातावरण का हमें सामना न करना पड़े। और अगले दर्शक राम हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम आपकी क्या राय है? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी। हमारी राय ये है कि जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इससे जो है पानी में हमारा फर्क पड़ रहा है और जो आग जल रही है, आग लग रही है हर जगह, उसमें जो है ये जो धुंध जो हवा में जो ये हमारा जो पर्यावरण पूरा जो खराब हो रहा है। मैडम जी हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और जितना भी है, और ये हमें अंदर ये जो पेड़ों की कटाई है इसको हमें रोके, तभी मैडम हम स्वस्थ रह पाएंगे और हम अपने जीवन को जो है बचा पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक हमारे साथ उदय सिंह जुड़ चुके हैं, कैथल से जुड़े हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है? हमारी राय है बहन जी, एक तो हमारे दो प्रश्न है, एक तो है पेड़ का ऊपर जी, दूसरा है प्रदूषण के ऊपर जी। दिल्ली के अंदर हजारों फैक्ट्रियां लगी हुई है जी, कितनी सरकार से मंजूर शुदा है नंबर एक, और कितने जनरेटर, लाखों जनरेटर लगे हुए हैं, बिजली कम आती है, जनरेटर ज्यादा चलाते हैं, क्या वो सारे प्रदूषण रहित है जी? अब तो किसानों की पराली नहीं जलती है, अब तो सरकार ने ये देखना चाहिए भी प्रदूषण आया कहाँ से। अगर ये प्रदूषण अशुद्ध में होता दसवां भी नम है, जिम्मेदारों पर ही थोपा जाता नंबर एक जी। नंबर दो जो पेड़ की बात आती है, मैंने एक जनहित याचिका लगाई थी 1874 जी, मेरे गांव में 17,000 पेड़ चले गए थे, दो नंबर में कटवाई कटाई गई थी जी, और डीसी चंद्रशेखर के खिलाफ मैंने 11,532 6 मिनटों में लगाई थी, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई नंबर दो जी। और 14-15 किले गौ चराण के जनहित याचिका में छिटाए गए थे, जिसमें पंचायत ने फॉरेस्ट द्वारा पेड़ लगवाए गए थे जी। अब पंचायत में बेईमाना आने के बाद, पंचायत उसका फॉरेस्ट का खर्चा करने के बाद, अब उन्हें समतल कराया गया, मंजूरी दी गई, डीजी साहब ने भी मंजूरी दे दी, डीडीपीओ ने भी दे दी, अब वो पेड़ नष्ट करे गए और दोबारा उस गोचर भूमि को जमीन ठेके पे देने के लिए तैयार है। क्या ये गलत नहीं है? पहले पेड़ लगवाए गए, फॉरेस्ट का खर्चा कराया गया, अब उस पर जमीन ठेका पे देने के लिए तैयार होगी। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, कहते हैं पेड़ जाओ, 17,000 पेड़ की इंक्वायरी पेंडिंग पड़ी है और 32 किले में पेड़ लगे थे फॉरेस्ट द्वारा, लाखों रुपया खर्चा है। आप कैथल से बात कर लो, फॉरेस्ट से, डीसी साहब से, नोट की पंचायत से जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ रमेंद्र सिंह पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है बढ़ते प्रदूषण पर? जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और देश की आवाज बनिए, अपनी राय रखिए कि आखिरकार पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही थी। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से जो वातावरण था उसमें हवा कम और धूल ज्यादा देखने को मिल रही थी, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही थी, उसके साथ ही अनेक शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो आप हमें अपनी राय इस पर दे सकते हैं। और नरेंद्र सिंह शिमला से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या राय है इस पर आपकी? नमस्कार जी। राय अभी जो कह रहे थे कि हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए जी, पर्यावरण बचाने के लिए जी, तो हर आदमी तो पेड़ लगाता है, लेकिन एक आदमी ऐसा ऊपर जो बैठ जाते हैं सरकार में जी, वो पेड़ों को कटाते हैं अपने मतलब के लिए जी। कहीं कोई कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो पेड़ को काटते हैं जी, कटाते हैं, इनके लिए परमिशन मिल जाती है, वो कैसे मिलती है? पर्यावरण विभाग क्या करता है इस बारे में? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है, अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। और दिनेश हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। दिनेश आप अपनी राय रखें।
हेलो जी, अपनी राय रखें। मध्य प्रदेश से दिनेश बोल रहा हूँ मैडम। जी, जी मध्य प्रदेश से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश अपनी राय रखें। थैंक यू मैडम जी। एक्चुअल में क्या है कि जो है जो हाईवे और जो हाईवे बनाने के लिए और फैक्ट्रियां बनाने के लिए और बांधों के निर्माण के लिए अंधाधुंध जो जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ वैसे ही कर्मचारी जो है प्रदूषण इतना फैल गया है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे पुराने जो वृक्ष जो वाकई में पर्यावरण की रक्षा करते थे पीपल बरगद नीम जैसे विशाल वृक्ष पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है बरगद 80% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है नीम 75% ऑब्जर्व करता है। हम जो है 100 पानी 100 पीस पौधों को लगा रहे हैं और जंगलों में जो वन विभाग है वो स्वयं लकड़ियों और जंगलों की तस्करी कर रहा है। वनवासी और ग्रामीण लोग तो जंगलों की रक्षा करते थे जो विभाग बनाए गए हैं वाकई में वो बर्बाद कर रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकारी तंत्र को आगे आना होगा। सरकारी तंत्र इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है बल्कि वो बर्बाद कर रहा है पर्यावरण को। इसीलिए हमारी मशीनें फेल हो रही हैं। भौगोलिक स्थिति को हमें समझना होगा। हम नदियों नालों में जितनी सफाई कर रहे हैं बल्कि उसकी जो है गंदगी ज्यादा फैला रहे हैं। हम जो है लगातार आयोजनों को कहीं नर्मदा बचाओ कहीं गंगा बचाओ इसके पीछे और ही जो है कमाई का फंडा है। एक्चुअल में अभी भी आपके एक दो दिन पहले जो है जो गडकरी जी ने जो आवाज उठाई आपके चैनल पर मैंने देखी उसमें भी राय रखी। मूलतः उस जो है ठोस जड़ में नहीं जाना चाहते कि समस्या क्यों है इसका निराकरण क्या है। निराकरण बड़ा आसान है लेकिन उस ओर वोटों की वजह से उसकी पहल नहीं की जा रही। हम अंधानुकरण से भागे और एक्चुअल स्थिति है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक रखने के लिए अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अगली दर्शक समृद्धि शिमला से हमारे साथ जुड़ चुकी है। समृद्धि स्वागत है आपका खबर अभी तक में। आप अपनी राय रख सकते हैं। गुड आफ्टरनून जी। अपनी राय मैं कुछ लाइनों से अपनी बात बोलना चाहती हूँ। अच्छा कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा जी। जब मैं अभी कल ही मैं शिमला आई तो मैंने शिमला का मौसम मैंने सोचा था बहुत अच्छा होगा लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा यहाँ पे धूल भरी आंधी चली हुई थी जी। तो मतलब दिल को बहुत दुख हुआ कि हम लोगों ने ये क्या कर दिया मतलब अपने शहर को। एक तो यहाँ पे पेड़ों की बहुत कटान पेड़ों का बहुत कटान हो रहा है। फोर लेन की वजह से हो रहा है कुछ प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। जब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा सभी पेड़ों पे नंबर लगे हुए थे तो मैंने पूछा ये नंबर क्यों लगे। जब देखा जब मैंने उन लोगों से पूछा यहाँ के लोकल तो उन्होंने कहा कि ये नंबर इसलिए लगे ताकि हम अपने जमीन में पेड़ ना काट सके। लेकिन कुछ ही दूरी में इतने सारे पार्किंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मतलब किसान और जो जितने भी हॉर्टिकल्चर के जितने भी इसमें आते हैं भूमि आती है वो लोग अपनी जमीन में पेड़ नहीं काट सकते लेकिन सरकार ने पेड़ काट काट के इतना मतलब नुकसान कर दिया कि देवभूमि अब मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े टाइम बाद देवभूमि रहेगी। यहाँ पे मतलब कोई भी नेचुरल कुछ भी सोर्स नहीं मिलने वाला जी। पानी की भी इतनी कमी हो रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्धि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपना फोन उठाकर हमें कॉल कीजिए हमारे साथ जुड़िए देश की आवाज बनिए और अपनी राय रखिए कि आखिरकार क्या सचमुच प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है कि जिस प्रकार से पर्यावरण की अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की गई पर्यावरण को इस प्रकार से दूषित किया गया अब उसका फल हम सबकी आंखों के सामने है। दो तीन दिनों में महज दो तीन दिनों में प्रकृति ने हमें अपना असली रूप दिखा दिया कि किस प्रकार से प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है। और दिनेश अगले दर्शक नरवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश आपकी क्या राय है इस पर? ऐसा है ये तो प्राकृतिक चीज होती है जी। बारिश आ गई आंधी आ गई तूफान आ गई इसमें आम आदमी क्या कर सकता है। बात तो जम्मू कश्मीर की करनी चाहिए आप लोगों ने बात दिल्ली की करनी चाहिए या उनके लिए तो सुसज्जन मांगे जा सके हैं। ये तो प्राकृतिक चीज है जी। पता नहीं ओए पड़ जाए ठंड कर दे भगवान की प्राकृतिक है ये तो धुंधंतों जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए लेकिन आपको बता देना हम चाहते हैं कि जो ये धूल हुई है ये प्रदूषण के कारण हुई है। प्रकृति की जो चीजें हैं वो बारिश होती है ओले होती है आंधी होती है लेकिन जो धूल और जिस प्रकार का दो तीन दिन से माहौल बना रहा वो प्रदूषण की वजह से है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई है और उस पर आपकी राय मांगी जा रही है कि आखिरकार प्रदूषण इतना कैसे बढ़ गया पर्यावरण में इतना प्रदूषण बढ़ गया उसमें जनता की क्या भूमिका है कि जनता की क्या भूमिका है। बार बार सरकार
सवाल उठाए जाते हैं, बार बार किसी और चीज पर अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है, क्या जनता की कोई सहभागिता नहीं रहती है? तो इसी पर आप लोगों की राय मांगी जाती है कि वृक्षों के बिना अब जीवन कैसे संभव होगा, आखिरकार ये प्रदूषण का स्तर जो इतना बढ़ता जा रहा है अब इसे कैसे कम किया जाएगा। उत्तर भारत में हालात बिगड़ चुके हैं, प्रदूषण के चलते धूल अब पर्यावरण में जमा हो गई है, धूल भरी आंधी नहीं चल रही है बल्कि धूल पर्यावरण में वातावरण में इकट्ठी हो गई है, क्योंकि हवा की जो साफ हवा है उसकी कमी है, जिसके कारण हवा नहीं, जो हवा के बीच धूल रहती है वो नहीं जा पा रही है। तो इसी के साथ अगले दर्शक चौहान हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। चौहान आप बताइए क्या राय है आपकी? नमस्कार जी, श्याम ठाकुर बोल रहा हूँ मैं जी, रामपुर जी, अपनी राय रखिए। ये राय मैडम ऐसी है, जो ये वृक्ष कटान हो रहा है ना जी, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वृक्ष कटान साथ साथ लगाने चाहिए हम लोगों को जी। मैं जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, अपना फोन उठाएं, हमें कॉल करें, देश की आवाज बने और अपनी राय हम तक रखें। उत्तर भारत में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, जी हां, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या फिर बात की जाए पंजाब की, अलग अलग जगह लेकिन हालात एक जैसे, वातावरण में धूल ही धूल और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि जो प्रदूषण नापने की मशीनें हैं, यंत्र हैं, वो तक फेल हो रहे हैं। लेकिन मौसम में इस प्रकार के बदलाव क्यों हो रहे हैं और बदलाव में हमारी कितनी कैसी जिम्मेदारी है, कितनी हमारी भागीदारी है, पर्यावरण से छेड़छाड़ से क्या सचमुच बात बिगड़ रही है और क्या प्रकृति हमें सचेत कर रही है कि जिस प्रकार से सालों से हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते आए हैं, क्या राय है इन सब पर आपकी? क्या पेड़ काटने से ये माहौल आज बन चुका है उत्तर भारत में? क्या प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है? वृक्षों के बिना अब जीवन संभव कैसे हो सकता है जो प्रकृति ने हमें अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और उत्तर भारत में जिसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिरकार ये जो प्रदूषण इतने समय से भारत में बढ़ रहा है, उत्तर भारत में प्रदूषण का बोलबाला है। और सोनी शर्मा अंबाला से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी शर्मा जी अपनी राय रखें। बनाएंगे जी, जी अपनी राय रखें। मंदिर वही बनाएंगे जी, अपनी राय रखें। जी यही राय है मेरी जी, मंदिर वही बनाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें पर्यावरण से छेड़छाड़ से क्या सचमुच बात बिगड़ रही है, क्या पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही है? साथ ही ये सवाल है आज के जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं, क्या प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है? बड़े सवाल आज के। और वृक्षों के बिना अब जीवन कैसे संभव होगा जब प्रकृति ने हमें अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है? उत्तर भारत में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, हर तरफ बस धूल ही धूल देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बारिश हुई है, बारिश से थोड़ी सी निजात मिली है धूल से, लेकिन सवाल होता है कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? और सुरेश अगले दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश अपनी राय रखें इस पर। मेरी भी यही राय है जी, पेड़ काटने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है जी। और ये जो प्राइवेट सेलें चलती है, प्राइवेट सेलों में गवर्नमेंट खुद पेड़ काटती है जी। एक पेड़ काटने से 20 पेड़ का नुकसान होता है जी। और गरीब जिम्मेदार को एक पेड़ नहीं दिया जाता, प्राइवेट सेलें खोली जाती है, गवर्नमेंट खुद बेचती है और एक पेड़ काटने से 20-20 पेड़ खराब होते हैं जी। ये सबसे पहला कारण है पेड़ काटने का, प्राइवेट सेले गवर्नमेंट की हो रही है। और साथ में वो दो नंबर, एक पेड़ सूखा होता 10 पेड़ मतलब उसके साथ ही जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं आप। आज के सवाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उत्तर भारत में हालात किस प्रकार बिगड़ते जा रहे हैं, पूरा उत्तर भारत धूल के चपेट में है। दो दिन से हालात आपने भी देखे होंगे, दिल्ली एनसीआर में हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, वहां पर तो प्रदूषण नापने वाली मशीनें भी फेल हो चुकी हैं। जी हाँ, इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। आखिरकार मौसम में इस प्रकार से इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और बदलाव में हमारी जिम्मेदारी कितनी है,
ये बड़े सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। पर्यावरण से छेड़छाड़ से क्या सचमुच अब बात बिगड़नी शुरू हो गई है? क्या सचमुच हालात बिगड़ रहे हैं? और क्या पेड़ों की घटती तादाद से ये धूल उठ रही है? बड़े सवाल आज के हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या प्रकृति इंसान को सचेत कर रही है कि किस प्रकार से इंसान ने बीते कुछ सालों में, बीते कुछ समय में पर्यावरण के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की है, वनों की कितनी कटाई की है, और प्रदूषण एक उसके नजारे के रूप में हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने में आ रहा है। उत्तर भारत में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो उत्तर भारत में पूरा जो वातावरण था, पूरा माहौल था पर्यावरण का, धूल से भरा हुआ था। धूल इतनी बढ़ गई थी पर्यावरण में कि अगर आप बाहर जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो सांस लेने की दिक्कत आपको सबसे पहले पेश आ रही थी और उसके साथ ही धूल ही धूल हर जगह थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बदलाव जो ये हो रहा है प्रकृति में, ये किस प्रकार से हो रहा है? और आरसी बांकी इंदौर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रखें जी। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी राय रखें। हाँ मैम जी, अपनी राय बोल रहा था मैम कि आजकल है ना सबसे ज्यादा पेड़ कटिंग हो रही है, तो किसान भी काट रहे हैं, गवर्नमेंट भी काट रही है, तो इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं? सबसे मेन चीज तो ये है हमको कि हर आदमी को कम से कम एक एक पेड़ लगाना है जी। सबसे मेन चीज सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो गवर्नमेंट पेड़ काट रही है और उतने पेड़ की काउंटिंग होना चाहिए और उससे डबल पेड़ गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। और हम लोग भी अगर एक पेड़ काटते हैं तो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के दो पेड़ लगाना चाहिए एक पेड़ की जगह। मेरी राय यह है कि हम सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके प्रकृति का उत्थान होगा, वरना नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और पारस चौहान अगले दर्शक इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। पारस चौहान अपनी राय रखें। मैम ये जो प्रदूषण इतना आजकल हो रहा है, इसके लिए जो यूथ है उसको आगे आना चाहिए जी। हर यूथ को कदम उठाना चाहिए कि अपने बर्थडे पे या किसी भी फैमिली ओकेजन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ग्रीन विजन को लेकर चलेंगे जब ही पर्यावरण में हम बेहतर सुधार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मैडम, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो कितने महंगे महंगे आते हैं जी। और इतने अमाउंट में वो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं कर पाते। एक पेड़ हम अगर लगाते हैं तो वो अपनी ताउम्र ऑक्सीजन की सप्लाई करता है जी। तो खर्चे का डाइवर्जन मान लीजिए आप, चाहे इसे पर्यावरण में सुधार मान लीजिए। आज पर्यावरण की सबसे बड़ी जरूरत पेड़ लगाना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जो एक पेड़ है वो बहुत सी ऑक्सीजन देता है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे होते हैं, तो हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदूषण हमें देखने को मिल रहा है, तो प्रदूषण चारों ओर काफी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा दो तीन दिनों से किस प्रकार से धूल पर्यावरण में मौजूद है, और लेकिन बारिश होने से कुछ लोगों को निजात जरूर मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है, प्रकृति जो है, इशारा कर रही है, इंसान को सचेत कर रही है कि किस प्रकार से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुई है। फिलहाल के लिए देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।